हेलो गाइस, क्या हाल चाल। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ यूट्यूब प्रॉब्लम्स, यानी कि यूट्यूब में हमारा जो प्ले स्टोर है ओपन हो जा रहा है, तो इसे कैसे सॉल्व करना है। तो इजीली एंड सिंपल ट्रिक के साथ मैं इस वीडियो में आपको बताया हूँ। तो सबसे पहले करना क्या, आपको अपना मोबाइल का जो सेटिंग है उसे ऑन करना है। तो हम सेटिंग पर आते हैं मोबाइल के, तो इस तरह से जो मोबाइल का सेटिंग है उसे ऑन कर लेना है। और नीचे की तरफ आप जब स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको ऐप्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ऐप्स के ऑप्शन पर आपको करना है क्या, क्लिक कर देना है। ऐप्स के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ सेकंड स्टेप पे आपको मैनेज ऐप का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ ऊपर की तरफ एक थ्री डॉट्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस पर हमें क्लिक करना है। तो गाइस, जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हाइट सिस्टम सर्विस इस तरह का मेरे में ऑप्शन देखने को मिला। लेकिन आप लोगों में यहाँ पर जो ऑप्शन देखने को मिलेगा वो होगा शो ऑल ऐप्स, इस तरह का आप लोगों में ऑप्शन देखने को शो ऑल ऐप्स, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल के जो ऐप्स हैं वो हाइड जो ऐप हैं वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी सिंपली आपको करना कि आपको एक सर्च का आइकन देखने को मिल रहा है, तो इस सर्च के आइकन पर आपको क्लिक करना और यहाँ पर लिखना गूगल प्ले सर्विस। तो यहाँ पर गूगल प्ले सर्विस, तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर की तरफ आपको गूगल प्ले सर्विस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली हमें करना क्या, इस पर क्लिक करना है और नीचे की तरफ आप स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर क्लियर डिफिकल्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा इस तरह से। तो इस पर आपको करना क्या, दो बार आपको इस पर टच कर देना है और यहाँ पर आपको नीचे क्लियर डाटा का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस पर हमें क्लिक करना है। और यहाँ पर दो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, मैनेज स्पेस, क्लियर चेक। तो सिंपली आपको मैनेज स्पेस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ नीचे क्लियर ऑल डाटा का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस पर हमें क्लिक करना है। तो कुछ इस तरह का आपको पेज देखने को मिल जाएगा। अभी यहाँ आपको ओके का ऑप्शन है, तो इस ओके के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको सेकंड प्रोसेस करना क्या है, आपको यहाँ पर जो आपको यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर इस तरह से आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर सर्च करके भी इसे ला सकते हैं गूगल प्ले स्टोर। यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ गूगल प्ले स्टोर, आप देख सकते हैं यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर आ गया। तो आपको करना क्या, सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है और नीचे की तरफ स्वाइप करेंगे तो क्लियर डिफिकल्ट पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लियर डाटा का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको भी दो स्टेप आपको देखने को मिलेंगे, क्लियर ऑल डाटा और क्लियर चेक। तो सिंपली आपको करना क्या है, क्लियर ऑल डाटा पर क्लिक करना है और यहाँ पर ओके का ऑप्शन आएगा, तो इस पर हमें ओके कर देना है। उसके बाद में इसे बैक आना है, यहाँ से ऊपर की तरफ से आपको बैक आना है। उसके बाद में आपको सर्च करना है यूट्यूब, यहाँ पर हम सर्च कर ले रहे हैं यूट्यूब। यूट्यूब पर आने के बाद यहाँ आपको जो है क्लियर डिफिकल्ट का ऑप्शन पर आपको दो बार क्लिक करना और यहाँ पर क्लियर डाटा का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस पर हमें क्लिक करना है। तो गाइज यहाँ सिंपली आपको यहाँ पर क्लियर ऑल डाटा का ऑप्शन नहीं चूज़ करना है, आपको यहाँ पर क्लियर चेक के ऑप्शन पर ही क्लिक करना है। अगर आप क्लियर ऑल डाटा करते हैं तो जो भी आपने अपने यूट्यूब में डाउनलोड कर रखे हैं वो आपको जो क्लीन हो जाएंगे, यानी कि सभी डिलीट हो जाएंगे। तो आपको क्लियर चेक के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ ओके के ऑप्शन आएगा, तो इस पर हमें क्लिक कर देना है। इस पर करने के बाद आपके जो प्रॉब्लम्स है वो सभी सही हो जाएंगे, जो भी आपके प्रॉब्लम्स थे वो सभी रिकवर हो जाएंगे। तो गाइज कैसे लगे इन्फॉर्मेशन और कैसे लगी वीडियो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।